नमस्कार दोस्तों, मैं विजय अपने YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि अगर आपका परिवार जो है ज्वाइंट है और उस ज्वाइंट के आवर में अगर आपका बड़ा भाई कोई भी जमीन खरीदता है या कोई भी आपका जमीन है उस टाइम पे अगर सर्वे होता है और खतियान बना लेता है या कोई भी गैर मजरूआ जमीन है जिसको सरकारी जमीन जो कहते हैं अगर वो जमीन वो अपने नाम से करवा लेता है तो क्या ऐसे जमीन पे छोटा जो भाई होगा उसका हक होगा या नहीं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। होता क्या है कि आप लोग जानते हैं कि हमारे इंडिया में अधिकतर जो परिवार है वो शुरू में ज्वाइंट ही होते हैं। वहां पे जितने भी लोग कमाने वाले होते हैं, जितने भी लोग काम करने वाले होते हैं, सब एक जगह रहते हैं, एक जगह उनका सारा काम होता है और एक जगह जो भी संपत्ति अर्जा जाता है वो सब एक आपस में मिलकर के करते हैं। लेकिन कई बार ये होता है कि जो आपके परिवार के बड़े भाई होता है तो वो मुखिया होता है, आपको सारी चीजें मैनेज करता है और वो अपने स्वार्थ पाना में या ऐसे ही वो जो क्या करते हैं कि अपने नाम से जमीन लिखवा लेते हैं। तो ऐसे जमीन पे छोटे भाई का हक बनता है या नहीं बनता है, इसके कई पहलू है। सारे पहलू पे मैं एक एक करके आता हूँ। सबसे पहले पहलू की जो बात करते हैं कि जो जमीन आपका भाई ने खरीदा है अगर उसने सेल डीड के माध्यम से, मतलब किसी से खरीदा है, सेल डीड के माध्यम से खरीदा है तो उसमें हक होता है कि नहीं, उसके लिए आपको जो है ये जानना जरूरी होगा कि जो उसने जमीन अपने नाम से खरीदा है उस जमीन में जो भी पैसा लगा है वो पैसा क्या उसने अपने पैसे लगाए हैं टोटल, या जो परिवार में जितने लोग हैं सब लोगों का पैसा उसमें लगा है। अगर सब लोगों का पैसा ले करके और वो अपने नाम से जमीन लिखाता है तो उसमें आपका हिस्सा बनता है और ऐसे पे अगर आप कानूनी कार्रवाई करते हैं तो आपको जो है आपका हिस्सा मिलने का पूरा उम्मीद रहता है। तो ये हो गया पहला पहलू जहां पे और भी भाई का जो है जो पैसे है वो मिला करके, मतलब परिवार में जितने लोग हैं उन सभी लोगों के पैसे मिला करके अगर उसने नाम पे रजिस्ट्री करवाया है तो ये फिक्स है कि आपका पूरा 100% उम्मीद है कि छोटे भाई का भी हिस्सा होगा। अब दूसरा पहलू ये बात करते हैं कि जैसे पापा होते हैं और प्लस उनका बड़ा लड़का होता है तो कई बार पापा क्या करते हैं कि वो अपने बड़े लड़के के नाम से जमीन लिखवा देते हैं, उसमें पापा का भी हिस्सा होता है और बड़े लड़के का भी होता है क्योंकि बड़े लड़का भी कमा रहा होता है और उस टाइम पे उनके पापा भी कमा रहे होते हैं। लेकिन छोटा भाई उस टाइम पे हो सकता है कि कितने का जन्म हुआ रहता है, कितने का नहीं हुआ रहता है, अगर हुआ रहता है तो बहुत छोटा होता है। ऐसी स्थिति में जो फादर होते हैं, जो पिता होते हैं, वो क्या करते हैं अपने बड़े बेटे के ही नाम से जमीन लिखा देते हैं। ऐसे जमीन में छोटे का हिस्सा पक्का बनेगा क्योंकि जो पिता है उन्होंने भी पैसे दिए हैं, इसलिए जो छोटे है उसको अभी हिस्सा बनेगा क्योंकि छोटे का हिस्सा जो पिता का धन है उसमें उसका हिस्सा बनता है, उस लिहाज से जो है छोटे का हिस्सा जरूर बनेगा। तो अगर कोई ऐसा केस आता है तो आप ये समझ लो कि छोटे का हिस्सा किसी भी हालत में बनेगा ही बनेगा। अगर वो कोर्ट में जाता है तो उसके जीतने का पूरे चांसेस है। अब बात करते हैं तीसरे पहलू की। तीसरे पहलू ये है कि हो सकता है कि उसने जो जमीन खरीदा होगा वो खुद अपने पैसे से खरीदा होगा, उसने खुद अपना, हो सकता है कि कर्ज खुद ही लिया हो और उसको उस कर्ज को उसने खुद ही से सधाया हो और परिवार के जो और सदस्य उन लोगों का पैसा उसमें उसने नहीं लगाया हो और इस बात का उसके पास पुख्ता सबूत हो, तब जो है अगर वो अपने नाम पे लिखाया है तो उस जमीन में किसी भी और भी भाई का हिस्सा नहीं हो सकता है। तो ये चीजें तभी हो सकता है जब वो पूरा जो धन है, जो भी पैसा वो जमीन प्रॉपर्टी खरीदने में लगा है, अगर उसने अपना कमाई का लगाया हो तभी छोटे भाई का हिस्सा नहीं होगा। और अगर कोर्ट में ऐसा केस जाता है तो उसको साबित करना होगा कि उसने जो पैसा लगाया है वो पैसा उसका खुद का था, उसने खुद ही अरेंज किया है, उसमें किसी भी और भी भाई का या उसके पापा का या किसी भी परिवार के किसी भी सदस्य का पैसा उसमें नहीं लगाया है। तो ये ऐसे केस में अगर ऐसा है तो ऐसे केस में जो है बड़े भाई के नाम से पूरा जमीन होगा, उसमें छोटे का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। और वो कोर्ट में जाता है तो सिर्फ धन की बर्बादी होगा और उसके केस जीतने का चांसेस जो है वो बहुत कम होता है। तो ये हो गया कि अगर जमीन वो खरीदता है तब का अलग अलग पहलू मैंने आपको समझा दिया, आई थिंक आपको ये सारी चीजें समझ में आ गया होगा। दूसरा पहलू ये होता है कि जमीन सर्वे होता है, जैसे अभी भी सर्वे स्टार्ट होने वाला है, पहले भी सर्वे हुआ था, उस टाइम पे जो बड़े भाई थे वो गांव में थे क्योंकि वो सारे परिवार को देख रहे थे और जो छोटे भाई सब थे वो बाहर जाकर कमाना शुरू कर दिए थे। ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि जो जमीन था, जो पुश्तौनी जमीन था या उनके पापा का जमीन था, उस जमीन का क्या करा उन्होंने अपने नाम से खतियान बना लिया, तो उस जमीन में भी भाई का हिस्सा जरूर होगा भले ही खतियान बन गया है। अब नया सर्वे होने वाला है और नए सर्वे के आधार पर खतियान बनाया जाएगा तो ऐसे खतियान जो है आराम से टूट जाएगा और इसमें सबों का हिस्सा होगा क्योंकि वो जमीन जो है वो खानदानी है और उसमें खानदान में सबों का हिस्सा वह हिस्सा बराबर बनता है, मतलब जितने भी लोग हैं उन सबों को बराबर हिस्से में ही उसका अधिकार है और बराबर हिस्से में ही उसको बांटा जाएगा, चाहे खतियान बन जाए या नहीं बन जाए उसमें हिस्सा सबों का है और सबों को मिलेगा ही। तो अगर ऐसा कोई जमीन है जिसमें जो है गलती से या
या मर्जी से जैसे भी खतियान बन गया है, तो जो अभी नया सर्वे होने वाला है उसमें आप लोग से आपस में बैठ करके या जैसे भी आपको सुलटाना है उसको सुलटा ले, और जो नया खतियान जो नया सर्वे होने वाला है उसमें सब लोग आपस में अलग अलग अपना खतियान बना ले। तो ये हो गया कि अगर खतियान बड़े भाई के नाम से बन गया होगा तब। अब तीसरा हमने बताया है कि गैर मजरू या सरकारी जमीन जो होता है उस जमीन को अगर बड़े भाई ने अपने नाम पे करवाया है तो क्या छोटे का हिस्सा होगा। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि जो गैर मजरू जमीन होता है वो सरकारी जमीन होता है, वो सरकार जो जिसको जरूरतमंद होता है उसको नाम से बंदोबस्त कर दिया जाता है उस जमीन का, और उसका मालिकाना हक उसको दे दिया जाता है और उसके नाम से रसीद कटने लगता है। ऐसे जमीन पे किसी और का हक नहीं हो सकता है, सिर्फ वो जमीन जो है वो उसी को दिया गया है तो सिर्फ उसी का होगा और किसी का नहीं हो सकता है, और ना ही उस पर कोई हक जमा सकता है। तो अगर आपके बड़े भाई ने कोई भी सरकारी जमीन जो कि गैर मजरूआ है और उसका अपने नाम पे बंदोबस्त करवाया है तो उसमें छोटे का या किसी का भी कोई भी हिस्सा नहीं होगा। तो इसलिए अगर ऐसा कुछ है तो आप लोग कोर्ट में ना जाए, ये पैसे की सिर्फ बर्बादी होगा और कुछ नहीं, उस जमीन पे सिर्फ उन्हीं का हक होगा और किसी का नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने तीन चीज आपको समझा है, अगर आप लोग को नहीं समझ में एक मेरा आया तो आप दो बार वीडियो देखो और आपको ये सारी चीज समझ में आ जाए। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट करके पूछना, मैं जल्द से जल्द आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। साथ ही हमारा फेसबुक पेज है जिसको लाइक करना मत भूले, जिससे जानकारी है वो आपको फेसबुक मिले, और हमारा वेबसाइट है vijaysolution.com और vijaysolution.in जहां पे जाकर के आप सारी चीजें हिंदी में पढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।